सरजू 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 कहाँ गया सरजू? सरजू तुझे 25 रुपए चाहिए नहीं? 70 150। अरे सरजू, तेरे नाम पर तो 200 रुपए निकलते रहे। 200? लालाजी मैंने तो सिर्फ... अरे ये तो मैंने जल्दी में हिसाब जोड़ा है, जरा जमकर जोड़ू तो और रुपए निकल आएंगे। मगर लालाजी पूरे 4 बरस ये रुपये लिए हुए, एक तो तुम लोग रुपए वापस नहीं करते, और जब सूद बढ़ने लगता है तो शिकायत करते हो, चिल्लाने लगते हो। अगर मेरी जबान से आपकी कहीं शिकायत निकली हो तो आप मेरी जबान काट सकते हैं लालाजी। अरे उसकी क्या मुझे तरकारी बनानी है? आज से मैंने कसम खा ली है, किसी को भी एक नए पैसे की भी मदद नहीं करूंगा। हाँ लालाजी, लालाजी अगर आप मुझे 25 रुपए नहीं देंगे तो मेरी इज्जत लुट जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा धंधा ही नहीं करना है। हजूर पंचायत में मटर मैं हाथ जोड़ता हूँ लालाजी। लेने का समय आता है तो हाथ जोड़ता हूँ लालाजी, और देने का टाइम अंगूठा दिखाते हो। मैं पाव बटता दादाजी, पाव बटता। अरे तू कहाँ जा रहा है? कुछ धंधा वंदा सीख, देख ये तुझे चाट कर चुपा जाएंगे। आ जा इधर। अरे वहां क्या ऊंट की तरह खड़ा है? तू भी राजा बेटा, जरा 25 रुपए तो गिर। जरा अंगूठा दे। ये लीजिए। ठीक ये ले। और सुन, इस साल कमला बिटिया दिवाली यही मनाने वाली है, है? जी माता, 1000 बड़े बड़े दिए भेज देना। बहुत अच्छा, भूलना नहीं। भगवान आपके बच्चों को सुखी रखे। अच्छा क्या जा। ये क्या करता है? चोटता कहीं का। चोरी करना पाप है। मगर बाबूजी, ये 25 के 125 कैसे हो गए? मैंने तो अभी तक स्कूल में ऐसा हिसाब ही नहीं पढ़ा। बेटा, स्कूल के हिसाब में और लेन देन के हिसाब में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी तू बच्चा है, जा स्कूल में, जा स्कूल में, जा चल 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 चल। नमस्ते। लाला जी हैं घर में? जी हाँ, इधर बैठे। कहिए काशीनाथ जी, क्या हो रहा है? कौन पटवारी साहब? नमस्ते नमस्ते, आइए बताइए, बिराइए। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। आप ही से तो इस गांव की शोभा है पटवारी जी। क्यों कांटों में घसीटते हैं काशीनाथ जी? मैं सच कहता हूँ, अगर आप नहीं होते तो इस गांव में कितने चूल्हे नहीं जलते। आप तो फजूल मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पटवारी जी। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या बताऊं लाला जी, क्या बात है? 300 रुपए की सख्त जरूरत है। बस, अरे क्या बात है, अभी ले जाइए। आपने फजूल आने की तकलीफ की, किसी को भी भेज देते तो मैं भेज देता पैसे। अरे कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए। धन्य हो। कागज लाइए, दस्तखत कर दूं। जी 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 जी, कागज किस लिए? अरे ये तो घर की बात है, आपस की बात है। जब मर्जी में आए तब भेज देना, और नहीं भेजा तो मैं थोड़ी मांगने वाला हूँ। इस साल नहीं, उस साल नहीं, पर साल, तीर साल, इस साल कभी भी भेज देना। आपने दर्शन दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य। कबड्डी 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 कबड्डी
कमला बेटिया। क्यों राम सिंह, अच्छे तो हो ना? जी अचानक आ गई। चलो चलो आओ। मालिक मालिक, कमला बेटिया आए हैं। कमला बेटिया कैसे आ गई? मैं सामान लेके आया। सुनो राम सिंह, गाड़ी के नीचे फल की टोकरी बंधी हुई है, उसे भी लेके आ। बहुत अच्छा बेटिया। कमला सदा सुखी रहो बेटी। अरे तुम तो अगले मंगलवार को शंकर के साथ आने वाली थी। हाँ पिताजी, लेकिन अचानक एक काम से उन्हें कलकत्ते जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जब जाना ही है तो यहाँ अकेले क्या करोगी, कल ही चली जाओ, इसलिए मैं आज चली आई। अच्छा, वे शायद दिवाली में भी ना आ सकेंगे। क्यों? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तू तो आ गई। चल बेटा। आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में होती तो तुम्हें देखकर कितनी खुश होती। बिटिया फल की टोकरी नहीं मिली, मालूम होता कहीं गिर गई। अरे तो मेरा मुंह क्या देखता है, जा जल्दी साइकिल से जाके ढूंढ ला। जी मालिक। पिताजी राजा कहाँ है? वो स्कूल में गया है बेटा। अच्छा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तब तक तू नहा धो ले। अच्छा दीदी तुम आ गए? राजा भैया। दीदी दीदी जीजा जी कहाँ है? उन्हें आने की फुर्सत नहीं मिली, उन्होंने तुम्हें मेरे साथ बुलाया, चलेगा ना? हाँ जरूर चलूंगा। देखो दीदी मैं तुम्हें एक चीज खिलाऊं, ये देखो नारंगी। कहाँ से लाया? चौधरी जी की फुलवारी से। चौधरी की फुलवारी से? चौधरी की फुलवारी में नारंगी के पेड़ हैं? गांव भर में कहीं नारंगी का बाग नहीं। समझ गई। क्या समझी? मेरी गाड़ी से नारंगी की टोकरी गिरी नहीं, वो तुम्हारी गाड़ी थी दीदी। बिटिया फल की टोकरी कहीं नहीं मिली। टोकरी मिल भी गई और फल बंट भी गए। जी बड़ी भूल हो गई दीदी। राम 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 राम। ऐसी भूल तो हमेशा होती होगी, पर तू स्कूल के समय उधर क्या कर रहा था? मैं तुम्हें स्टेशन से लाने जा रहा था दीदी। मेरे आने की खबर किसी को नहीं थी, स्कूल से भागने की आदत नहीं। दीदी बात यह है क्या, स्कूल बंद हो गया। क्यों? इधर मास्टर जी की तबीयत बहुत खराब रहती, कभी कभी तो शोर हो जाता है कि मास्टर जी मर गए, लेकिन फिर मास्टर जी की ऐसी हालत है। हाँ यही तो अफसोस की बात है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए क्या नहीं किया, सत्य के लिए कौन सा त्याग नहीं किया, राज पाठ पुत्र पत्नी सबको छोड़ दिया, उन पर एक नहीं अनेक संकट आए, परंतु हंस हंस कर सबका मुकाबला किया और सत्य की रक्षा। ओ, कमला बेटिया आओ आओ बेटी, आओ आओ बेटी, सदा सुखी रहो बेटी। अभी अभी तुम्हारे पिता तुम्हारे आने की खबर दे गए। लेकिन मास्टर जी। क्या बात है बेटी? राजा ने कहा कि आप सख्त बीमार हैं, कभी कभी शोर हो जाता है कि आप। बस बस बस, मैं समझ गया, मैं गांव के छोकरों की प्रार्थना से मरने वाला नहीं, अगर मैं बीमार होता तो अपनी ये ड्यूटी कैसे अदा करता। मगर मास्टर जी आज क्लास में तो कोई लड़का नहीं, आप किसे पढ़ा रहे हैं? आज ही क्या, कभी भूले भटके एक दो बच्चे आ गए तो आ गए, नहीं तो मैं अपना टाइम रोज देता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं मास्टर जी? इसलिए कि शायद कभी मेरी आवाज किसी बच्चे के कान तक पहुंचे और उसके दिल में पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। मुझे अपनी साधना पर विश्वास है बेटी। क्यों, बच्चे क्यों नहीं आते? असल बात यह है बेटी कि गांव के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। मैं कोशिश करके हार गया, लेकिन गांव, गांव के लोग, गांव के बच्चे आज तक नहीं सुधरे। राजा भी पढ़ने नहीं आता? राजा,
राजा तो गांव के शरीर छोकरों का सरदार है। राजा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा हूँ दीदी। झूठ मत बोल, तू जो स्कूल जाता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कल मैं स्कूल गई थी, वहाँ एक भी लड़का नहीं था। वो तो सिर्फ कल स्कूल में गया था दीदी। तो फिर आज सीधा स्कूल जाएगा ना? जरूर जाऊंगा, सीधा स्कूल जाऊंगा। अच्छा जा, अच्छे लड़के हमेशा स्कूल जाया करते हैं। सही। पिताजी। हाँ। राजा स्कूल जाता है कि नहीं? हाँ, वो तो रोज स्कूल जाता है। नहीं पिताजी, कल मैं स्कूल गई थी, वहाँ एक भी बच्चा स्कूल में नहीं था। मास्टर जी कह रहे थे कि कभी भूले भटके एक दो बच्चे स्कूल आ गए तो आ गए, नहीं तो ज्यादातर स्कूल खाली रहता है। अरे तब तो मास्टर को बेकार की तनख्वाह दी जाती है। पिताजी इसमें उनका क्या कसूर है? वे तो अपना काम सच्ची लगन से करते, मगर गांव वालों को ही अपने बच्चों का ख्याल नहीं। तो मैं क्या करूं? पिताजी आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं, कम से कम आप गांव के बच्चों को स्कूल भेजिए, मैं भी गांव के लोगों को समझाऊंगी। बेटी एक प्रभु दयाल थोड़ा पढ़ लिख गया तो रह रह कर सर उठाता है, गाँव के और बच्चे पढ़ने लगेंगे तो कितने प्रभु दयाल पैदा हो जाएंगे। तू है कहाँ? अरे मास्टर आप हैं कहाँ? मुझे स्कूल का सेक्रेटरी बनाकर देखिए, स्कूल का नामो निशान तक मिटा दूंगा। क्या कहा? नामो निशान? स्कूल को कॉलेज बना दूंगा कॉलेज, फिर स्कूल का नाम किसे याद रहेगा? और आपको, आपको उस कॉलेज का क्लर्क बना दूंगा, क्लर्क। कॉलेज में पढ़ाई का काम भी तो होता है। फिर आपको उस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दूंगा। अच्छा, तब तो आप जल्दी सेक्रेटरी बन जाइए प्रभु दयाल जी। ओहो, ये काशीनाथ काशी को सुधारे तब प्रभु दयाल कुछ बने। मेरी उम्र देखिए, उसी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। स्कूल का सेक्रेटरी काशीनाथ, गांव का सरदार काशीनाथ, इस जनता का सभापति वही, उसका वही, इस बार मुखिया के लिए भी खड़ा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है? अजी वो खड़ा होगा तो क्या मैं बैठा रहूंगा? छक्के छड़ा दूंगा काशीनाथ के। क्यों प्रभु दयाल, क्या हो रहा है? जय बाबा काशी विश्वनाथ। आइए। बाबा विश्वनाथ को क्यों याद कर रहे हो? आपको देखने के बाद और कौन याद आ सकता है? भले को देखने से भली बात ही तो याद आती है। आइए बराजिए। हाँ हाँ आइए। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो। मैं भी जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई घर पर आओ, इस साल दिवाली खूब धूमधाम से मनाएंगे, कुछ काम में हाथ बताओ। अरे आप में बांटने की आदत कहाँ है काशीनाथ जी? सारा काम मुझ पर छोड़ कर देखिए, कम से कम स्कूल का सेक्रेटरी बना। क्या कहा? मेरे होते हुए किसकी मजाल है कुछ बनने की? क्यों मास्टर? आगे दीजिए, मुझे टाउन जाना है, एसडीओ साहब ने बुलाया है। अरे मुझसे भी कल कलेक्टर साहब मिलने आए थे। जय बाबा काशी विश्वनाथ। काम में इसका दिल ही नहीं रहता, कभी जमकर काम नहीं करता। सुंदर क्या चाहिए? चाराने का गुड़ दे देना। Thank you.
देख रही है, जहाँ जाएगी वहाँ ऐसा ही करेगी। लोग कहेंगे क्या इसकी माँ ने यही सिखाया है। माँ मैं अभी आई। अरे गोपी कहाँ जा रही है? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पिताजी, स्कूल में स्लेट भुलाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा। सलामत की अम्मा, पिछले साल तो दिवाली की कमाई पूरे साल भर खाई, इस साल देखो खुदा क्या करता है, आतिशबाजी तो काफी बना ली है। अजी अल्लाह मालिक है, जरा जल्दी आना। याद है ना लाला काशीनाथ जी ने दिवाली की कितनी आतिशबाजी बनाने को कहा है? अरे ये तो मैं भूल ही गया था, मगर कोई हर्ज नहीं, तुम यहाँ अपना काम जारी रखना, मैं भी खुदा ने चाहा तो यूं आया। अरे भले आदमी मेरा वजू का लोटा था, उठा दे। अब्बा क्या मुझे भी ले चलो। क्या कहा? जी नहीं मैं नहीं चलूंगा। क्या जमाना बदल गया है सलामत की अम्मा, बिना मौसमी कोयल बोलने लगी। एक दिन कभी भूले भटके बोलती तो कोई बात न थी, ये घोड़ी तो रोज बोलती है। कयामत के आसार हैं बाबा, कयामत के आसार। 14वीं सदी है, जो हो वो कम है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सलामत, ओ सलामत, अरे कहाँ चला? क्या छोकरा है। धनिया के मकान को आग उन मासूम बच्चों ने लगाई, जैसे कि बच्चे साथ में आग लिए फिरते हैं और इन्होंने उन्हें भागते हुए भी देखा। हाँ अब तक हम लोग ने जो कुछ भी देखा है उसे साफ साफ बतला देते हैं। हाँ हाँ कहो कहो। धनिया के मकान को आग लगने से पहले ये मंगलू चाचा गांजा पी रहे थे, उनके चिलम से चिंगारियां उड़ उड़ कर धनिया काके के मकान की ओर जा रही थी। जा ही नहीं रही थी बल्कि उनके मकान के छप्पर पर गिर रही थी। धना धन धना धन। क्यों मंगलू ये बात सच है? माई बाप
जब से होश संभाला है तब से गांजा पी रहा हूँ, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। आग रोज रोज नहीं लगती, कभी कभी लगती है। इनको क्या पता, ये तो नशे में धाए धाए गांजा पिए जा रहे थे। मैंने तो उसी वक्त कहा था कि मंगलू चाचा की चिलम कुछ न कुछ करके रहेगी। करके रहेगी क्या, करके दिखा दिया। सुन लिया मुखिया जी, समझ गए पंचो, आग मंगलू ने ही लगाई है, बच्चे निर्दोष है। मंगलू को सजा मिलनी चाहिए मुखिया जी। देखिए देखिए इसकी बदतमीजी, देखिए पंचायत में भी चिलम लेकर आया है। बोल मंगलू, आग तूने लगाई है या नहीं? बोलता क्यों नहीं? बोल, बोला। नहीं नहीं लगाई होगी, आप लोग झूठ थोड़े ही बोलते हैं, जरूर लगाई होगी। मंगलू जब खुद अपने कसूर को कबूल करता है तो फिर बाकी ही क्या रह जाता है। मुखिया जी का फैसला जिसे जेल भिजवा देना चाहिए। नहीं भाई बाप, यही बातें दे दीजिए, मगर जेल बात में भिजवाइए। जेल में गांजा पीने को कहां मिलेगा? इसे जेल भिजवाने से मुझे क्या मिलेगा, मेरा मकान बनवा दीजिए मुखिया जी। हाँ हाँ तेरा मकान बनना ही चाहिए। देख मंगलू, तुझे धनिया का मकान बनवाना ही पड़ेगा और दशहरे तक मकान का काम शुरू हो जाना चाहिए, यही हमारा फैसला है। वाह 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 वाह, क्या न्याय किया भाई, मुखिया हो तो ऐसा हो। वाह मुखिया जी वाह। मगर इस मंगलू के पास है क्या जो मेरा मकान बनाएगा? अरे घबराता क्यों है, इस गांव के लिए काशीनाथ अभी जिंदा है, समझा? चलिए मुखिया जी, चलिए चलिए पटवारी साहब। राजा इसकी खुशी में दशहरे का मेला देखने हम धर्मपुर चलेंगे। अरे जरूर चलेंगे, मगर धर्मपुर तो यहाँ से 4-5 स्टेशन दूर है, वैसे कहाँ से आएंगे? इसमें भी तो राजा का ही भेजा काम कर सकता है। हाँ राजा, कोई तरकीब निकालो मेला देखने की। अरे तुम घबरा क्यों रहो, जब तक दीदी यहाँ है पैसे की कोई फिक्र नहीं, सब बंदोबस्त हो जाएगा। हम लोग मेला देखने जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। एक आना, दो पैसे। अंधा देखता नहीं है? अरे हम अंधा है, बिल्कुल अंधा है। बता तेरी आंखें पूरी फूट कर जाए। नीली रस्सी लाल रस्सी। ये तो वही है। चलो चलो अभी बताता। बच्चों ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस दशहरे के शुभ अवसर पर हमारी इस छोटी सी पाठशाला में श्री मुरारजी भाई पधारे हुए हैं। जिस उदारता से इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है उसके लिए हम धर्मपुर निवासी इनके बहुत बहुत आभारी हैं।
श्री मुरारजी भाई हमारे बच्चों को राष्ट्रपिता बापू के बारे में कुछ कहेंगे। श्री मुरारजी भाई के भाषण के बाद बच्चों के लिए बापू की जीवनी पर लिखी हुई बापू ने कहा था नामक पुस्तक बांटी जाएगी। अब मैं श्री मुरारजी भाई से अनुरोध करता हूँ कि आप राष्ट्रपिता बापू के बारे में कुछ कहें। बच्चों, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए हमें आशा है कि तुम इनकी बातों को शांतिपूर्वक ध्यान से सुनोगे और पूज्य बापू की आदर्श जीवनी से बहुत कुछ सीखकर तुम भी उन आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करोगे। तुम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ बापू के बारे में कहूँ। बापू कौन थे और क्यों बापू कहलाते थे वो तुमको मालूम है कि नहीं? मैंने जाना। बापू हमारे देश में सौराष्ट्र में जन्म पाए और बहुत लोग उनको बापू कहा करते थे, मेरे जैसे और लोग। वो क्यों बापू कहा करते थे? क्योंकि वो सबसे मोहब्बत करते थे, सबको मदद करते थे, किसी का बुरा नहीं करते थे और हर एक को मदद पहुंचाने के लिए तैयार रहते थे। जैसा एक बाप अपने बच्चों को हमेशा मदद करता रहता है, उसको परवरिश करता है, बड़े होने के लिए मदद पहुंचाता है, हमेशा कुछ ठीक समझाता है, गुनाह होता है तो माफ कर देता है मगर फिर से न हो इसलिए समझाता है बच्चों को। इस तरीके से गांधी जी सबके साथ अपना व्यवहार रखते थे, सबको इस तरीके से समझाते थे, इसीलिए उनको हम सब बापू कहते हैं। उनकी माँ और बाप दोनों धर्म में मानने वाले थे, हमें सच्चाई पर चलने वाले थे। कुछ भी हुआ तो किसी हालत में वो झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए गांधी जी भी जब बच्चे थे तब वो सच्चाई पर हमेशा चलते थे और कभी झूठ नहीं बोलना वो ही एक तय कर लिया था। और फिर जो हो सो हो मगर डरना नहीं सच बोलने से, इसीलिए वो सच बोलते थे। अपने से बड़ा भाई था, उनको काफी कर्जा हो गया, बहुत खर्चीले थे, वो भी सब बच्चे ही थे। तो एक दिन उनका कर्जा अदा करना था, क्योंकि जिनके पास पैसा लिया वो तंग करते थे कि दे दो वापस, तो दे नहीं सकते थे। तो घर में एक कड़ा था सोने का, तो गांधी जी ने समझा कि मेरे भाई का कर्जा मैं चुका दूं, तो कड़ा ले गए, उसमें से एक टुकड़ा काट के बेच दिया। माँ बाप को कहा नहीं, चोरी हुई, काम तो था अपने भाई का कर्जा चुकाने का, अपने लिए तो नहीं था मगर अपने भाई के लिए भी वो चोरी की। और दूसरे दिन उनको महसूस हुआ कि तो बड़ा गलत काम हुआ, मैंने चोरी कर दी, और बाप को कहना चाहिए। फिर बाप को चिट्ठी लिख दी, मुंह से कहने की हिम्मत नहीं थी कि क्या कहेंगे बाप, तो फिर चिट्ठी लिखी कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने कल चोरी की, इस काम के लिए किया, मुझे आप माफ करे या तो जो सजा देना हो सो दे। तब उनके पिताजी थे वो एक बड़े ऊंचे आदमी थे, दीवान थे एक स्टेट के, मगर वो सच्चाई में मानते थे। और क्योंकि गांधी जी ने सच बता दिया तो उनके ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, आंख में से दो आंसू टपके, इसका बड़ा भारी असर गांधी जी पर पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें करनी नहीं चाहिए और बच गए, फिर से कभी ऐसी बात में वो फंसे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे सच बोलना है, तो घबराए नहीं, भीख से भी बच गए, हिम्मतवान बन गए, निर्भय बन गए। तो गांधी जी यही हमें सिखाते रहे और जैसा गांधी जी ने किया कि हमें सच्चाई पर चले, हमें सबको मदद करते रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को बुरा नहीं कहा, इस तरीके से तुम लोग भी करो, हम सब करें, तो जैसे गांधी जी बने
उनकी जैसी शक्ति बनी, देश को उन्होंने छुड़ाया और आज देश में जितनी अच्छी बातें उनकी की हुई है, तो वो जैसे उन्होंने किया वैसा तुम और हम सब कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी के जीवन में यही बातें हमें देखने लायक है। जितना हम उसमें से सीखें इतना हम सीखें, और उन्होंने जो कहा वो हम करें तो वो ताकत हमें मिल सकती है। जैसे वो बने वैसे हम भी बन सकते हैं। इसीलिए गांधी जी का जीवन, उनकी जीवनी आप सबको पढ़नी चाहिए। तुम सब वो सीखे पढ़े और इसमें से जो कुछ ठीक लगे जितना कर सके इतना करो तो बड़ा अच्छा होगा। बच्चों के साथ उनको बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे निर्दोष होते हैं, मगर निर्दोष होते हैं मगर सोचते नहीं और बुरी सोबत में पड़ जाते हैं तो बुरे बन जाते हैं। तो हमेशा वो बच्चों के साथ बैठते थे, खेलते थे, उनको समझाते थे, मगर यही बात हमेशा उनको कहते थे कि कभी डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों को कभी वो डराते नहीं थे, और लोग डराते थे तो उनको समझाते थे कि डराना नहीं चाहिए, मगर तुम सब लोग सोचोगे कि तुम डरोगे तो डराने वाले बहुत लोग मिलेंगे। डरना नहीं चाहिए किसी हालत में, वो ही वो सिखाते रहे। तो हम खेल कूद तो करें, मगर खेल कूद ऐसा नहीं करें कि किसी को हम नुकसान पहुंचा दें। कोई मुझे नुकसान पहुंचा दे तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मगर किसी को नहीं नुकसान पहुंचाना। किसी को खिलाना चाहिए मगर किसी का खा नहीं जाना चाहिए। किसी को कुछ देना चाहिए मगर किसी के पास ले नहीं जाना चाहिए। कोई दे मोहब्बत से दे तो हम जरूर ले, मगर ले इसे ज्यादा औरों को दे दे। ये गांधी जी हमें सिखाते थे और ये हमें सीखना चाहिए। समझे बच्चों क्या बापू की बात थी? मगर पढ़ना होगा ज्यादा, मेरे कहने से मान लोगे इतना नहीं चले। हमेशा पढ़ो, उनकी जीवनी लिखी गई है, वो जीवनी पढ़ते रहो और पढ़ते पढ़ते सोचते रहो कि क्या उसमें से सीखना है। जो अच्छा लगे वो करते रहो तो फिर तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। आओ आगे बढ़ो, आओ आओ, सब को मिलेगा। बापू ने कहा था सत्यमेव जयते। चल राजा घर चल, बड़ी अच्छी किताब। चल चल बढ़ाया किताब वाला, चल 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 चल। इतनी देर क्यों कर दी? मत पूछो दीदी, मेले में मजा आ गया। मेरे लिए क्या लाया है मेले से? तुम्हारे लिए किताब लाया हूँ, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? देखो तो, बापू ने कहा था बड़ी अच्छी किताब है, कितने में खरीदी? खरीदी नहीं है दीदी, मुफ्त में मिली है। मुफ्त में? हाँ, वहाँ एक पाठशाला में मुरारजी भाई का भाषण हो रहा था, वही ये किताब बांटी गयी थी। अच्छा दीदी, ये मुरारजी भाई कौन है? मुरारजी भाई बापू के अंतरंग साथियों में से है। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बापू का साथ दिया था। हाँ, इसीलिए उन्होंने बापू के बारे में बहुत कुछ कहा। क्या क्या कहा? बापू बचपन से ही सच बोला करते थे और सच बोलने में कभी नहीं डरा करते थे। तो तुझे भी उनसे सबक सीखना चाहिए, अच्छा लड़का बनना चाहिए, दिल लगाकर पढ़ना और रोज स्कूल जाना चाहिए। हाँ दीदी, अब मैं रोज स्कूल जाया करूँगा। शाबाश, हमेशा बापू की तरह सच बोलना चाहिए। बापू का तो जीवन मंत्र यही था, सत्यमेव जयते। अरे इसमें भी यही कविता है, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। बापू ने कहा था, बापू ने सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो।
मंगलू, अरे ओ मंगलू। कौन? धनिया भैया। देखती हो मंगलू को? पंचों के सामने तो मेरा मकान बनाने को कह दिया, मगर आज तक नहीं बनाया। मैं क्या करूं? काम न काज, जहाँ कुछ पैसे मिले काम बंद, बस गांजा ही गांजा। देखो ना, मैं खुद अपनी बीमारी से तबाह हूँ भैया। देखो आज सवेरे सवेरे ही गांजा चढ़ गया है। मंगलू, ए मंगलू, मंगलू, ए मंगलू। कौन? धनिया, जा। मंगलू, मैं आज आखिरी बार तुझसे पूछने आया हूँ। क्या? मैं आज आखिरी बार तुझसे मकान के बारे में पूछने आया हूँ। अरे जा जा, मरने से पहले तेरा मकान बना दूंगा। मगर तूने तो दशहरे तक मकान का काम शुरू कर देने को कहा था, और अब दशहरा भी बीत गया। अरे गांजा मैं पीता हूँ और नशा तुमको? मैंने तो सिर्फ मकान बनाने के लिए कहा था, दशहरा तो मुखिया जी ने कहा था। जा जा। मंगलू, तुझे मेरी तकलीफ का जरा भी ख्याल नहीं? और तुझे मेरी तकलीफ का बहुत ख्याल है। सवेरे सवेरे आकर मुझे नींद से जगा दिया। तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है। मैंने तंग कर रखा है? अच्छा फिर तुझे सुलाता हूँ। अरे जा जा, मरने के 8 दिन पहले तुझे खबर कर दूंगा। जा, अभी लाला जी के पास जाता हूँ। मुखिया जी से नहीं, तेरा इलाज लाला जी से ही हो सकता है। अरे जा, लाला जी के पास जा, चाचा जी के पास जा। जयराम जी की लाला जी। ओ धनिया, आओ। क्यों, मकान मकान बन गया तेरा? अभी कहां लाला जी, ना मंगलू को चिलम पीने से फुर्सत मिलेगी, ना मेरा मकान बनेगा। मैं तो कई दिनों से तेरी राह देख रहा था। लाला जी आप मेरी राह देख रहे थे? उधर मैं मंगलू की राह देखते देखते थक गया। क्यों? कहता है मरने से पहले तेरा मकान बना दूंगा, मगर कब मरेगा ये भी तो नहीं बताता कम्बख्त। बड़ा बदमाश है। अच्छा कोई बात नहीं, चला अंदर। तो ये बात है धनिया। क्या दुनिया है, ये धोखा दे दिया उसने। आ बैठ। हरे राम, बढ़िया। अरे ये गांव गंगा का मामला ही बड़ा विकट होता है धनिया। कोई बात नहीं, मुझे तो सबकी तरफ देखना ही पड़ेगा। तो धनिया, इस कागज पर अंगूठा कर दे। अंगूठा? हाँ। अंगूठा क्यों लाला जी? अरे पगले, बाल बच्चों को सर्दी में मारना चाहता है क्या? नहीं लाला जी, मैं तुझे 300 रुपए दे रहा हूँ मकान बनवाने के लिए। मंगलू जिंदगी भर तेरे हाथ नहीं आ सकता। चल ला, अंगूठा लगा दे। मगर लाला जी, इस कागज में क्या लिखा जाएगा? इसमें यही लिखा जाएगा कि जो मैं तुझे रुपए दे रहा हूँ वो मैं मंगलू से वसूल लूंगा। अच्छा। मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, नहीं तो मुझे क्या फायदा अपने रुपये फंसाने से, तू ही बता। हाँ, अगर तुझे रुपये नहीं चाहिए तो जा मंगलू से अपना मकान बनवा ले। नहीं लाला जी नहीं, आप सचमुच मेरी भलाई चाहते हैं। बड़ा अकलमंद। चल ला, लाएं बेटा ये। शाबाश शाबाश। धनिया, अब तेरा मकान जरूर बन जाएगा। अरे क्या देखता रहे, राजा जा बेटा, दीदी से 300 रुपए मांग के तो लिया। अभी ला बाबू जी। जा। दीदी,
किसलिए? धनिया को देने के लिए। अच्छा चल देती हूँ। लाला जी मंगलू के पास रखा क्या है जो आप वसूल करेंगे? उसकी फिक्र मत कर। क्या वो इस कागज को मानेगा? मानेगा कैसे नहीं, अरे मैं उसका भी इस कागज पर अंगूठा लगवा लूंगा। ये लीजिए बाबूजी रुपए। लाए बेटा, गिनकर लाए ना। अच्छी तरह गिन के ले। भैया तू भी गिन ले भैया। ठीक है लाला जी, भगवान आपका भला कर दे। अच्छा बेटा मैं पटवारी के यहाँ जा रहा हूँ, दीदी से कह देना मुझे जरा आने में देर होगी। अच्छा अच्छा धनिया चलो जी, जरा मेरी लकड़ी दे देना। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या बात है? बाबूजी ने धनिया का मकान बनवाने के लिए 300 रुपए दे दिए। तो तुझे इसमें इतनी क्या खुशी? मैं बहुत खुश हूँ दीदी, मुझसे कुछ ना पूछो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज कितने दिनों के बाद स्कूल? मैं तुम्हारे बारे में पूछने के लिए कमला बिटिया के पास जाने वाला था। अब मैं रोज स्कूल आया करूंगा मास्टर जी। मास्टर जी तुम्हें खूब जानते हैं बेटा। नहीं मास्टर जी, मैं सच कहता हूँ। सच? जी हाँ। कमला बिटिया के आने के बाद कुछ बच्चे तो स्कूल आने लगे, मगर तुम्हारी आज की प्रतिज्ञा से मेरी साधना सफल हुई। आओ बेटा। क्या कहा? हाँ लाला जी, इन बच्चों की भोली भाली शक्लों से पता नहीं चलता, अतल गलत है। ये बिल्कुल झूठ है। बोतल चौधरी जी, तुम्हारे फुलवारी से फल तोड़ने का इन बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है।
लाला जी आप माली से खुद दरियाफ्त कर लीजिए। ये कहता है इनको मैंने फल तोड़ते हुए अपने हाथों से पकड़ा है। अजी वो और कई लड़के होंगे, आप क्या बताते हैं? और नहीं मालिक, यही बच्चे थे, इन्हें मैंने फल तोड़ते वक्त अपने हाथों से पकड़ा है। देख माली, अगर कहीं बात झूठ निकली तो तेरी खैर नहीं होगी, बता देता हूँ। जी 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 जी, जरा बच्चों से भी तो पूछिए लाला जी। हाँ पूछिए, मैं कब इनकार करता हूँ। सच सच बोलो ना बच्चों, क्या बात है? मेरा शामू कभी झूठ नहीं बोलता। बोलो बेटे, क्या बात है? बात यह है कि हम लोग उधर से गुजर रहे थे तो इस माली ने हमें बुलाकर कहा, क्या तुम फल खरीदोगे? हमने इससे कहा कि तुम फल चुरा के बेचते हो, हम अभी चौधरी से जाके कहते हैं। बस इतने से बात पे इसने हमें पकड़ लिया। क्यों बे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? सुन लिया चौधरी, सच झूठ का पता लग गया? मुझे भी पहले से कुछ शुभ था इस पर, रोज फल गायब हो जाते थे, न आंधी न बारिश। मैं भी सोचू आखिरी फल जाते कहां है। मैं तुझे आज नौकरी से जवाब देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये सब झूठ है। ये सब झूठ है और तू ही एक सच्चा है। शामू कभी झूठ नहीं बोलता और ये मेरा सुंदर तो बिल्कुल सच बोलता है। क्यों मेरे लाडले? आप पिताजी रहने दीजिए, मैं लड़कों को खूब पहचानती हूँ। अगर ये सब सच बोल सकते हैं तो मेरा राजा भी सच बोल सकता है। राजा भैया तुम ही कहो, बात क्या है? बोलो, सच बोलने में डरना नहीं चाहिए। गांधी जी भी जब बच्चे थे तब वो सच्चाई पर चलते थे और कभी झूठ नहीं बोलना वो ही एक तय कर लिया। और फिर जो हो सो हो, मगर डरना नहीं सच बोलने से, इसीलिए वो सच बोलते थे। सच सच बताओ, बात क्या है? ये लोग मुझे जबरदस्ती स्कूल से पकड़ कर ले गए बोला। और उसके बाद हम लोग चौधरी जी की फुलवारी के पास पहुँचे। फिर इसने फल बेचना चाहा। नहीं, ये निर्दोष है, फल हम लड़कों ने ही तोड़ा है, कसूर हमारा है। अब तू भी झूठ बोलने लगा? नहीं, मैं सच कहता हूँ। सच के बच्चे। शाबाश बेटा, जीते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। सुन लिया लाला जी, सच झूठ का पता चल गया ना, अब इंसाफ आपके हाथ है। चल चल, तू ही चल, तेरी भी खबर लेता हूं। नालायक, अगर तुझे ही पटाखा बनाकर जमीन पर ना पटक दूं तो मेरा नाम करामत आतिशबाज नहीं। सरजू भैया। हाँ भैया। इसे भी हवाई बनाकर छोड़ दो। सुन लिया बे, चल तेरी भी अच्छी तरह मरम्मत करता हूं। सच बोलने वाला, तेरी वजह से तो हम सबको मार पड़ी घर पे। बेचारे शामू और गोपी को इतनी मार पड़ी कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। बोल, फिर सच बोलेगा कभी? सच बोलूंगा, चलो सच बोलूंगा। सच बोलेगा। साथी ने तुम्हें सच बोलने के लिए मारा, यही ना? हाँ दीदी। बापू को भी सच के लिए कौन सी मुसीबत नहीं उठानी पड़ी, पर वे तो कभी नहीं रोए बाप की जिम्मी पढ़कर। क्या तुमने यही सीखा? आज तुम रोने की बजाय अगर हंसते हुए मेरे पास आते तो मैं तुम पर कितना नाश करती। मगर दीदी, मेरे साथी ने मेरा साथ जो छोड़ दिया। तो इससे क्या, सच के लिए विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया, भरत ने अपनी माता को माता नहीं समझा और सच के लिए प्रहलाद ने तो अपने पिता का भी विरोध किया। अब तुम्हारी तारीफ तो इसी में है कि तुम अपने साथियों को सच से जीतो।
लेकिन मैं कितने, मैं अकेले उनका मुकाबला कैसे करूंगा? वो जितने भी हो, अंत में जीत सच की होती है। हमेशा यही याद रखो, सत्यमेव जयते। दुहाई है लाला जी, दुहाई है लाला जी। क्यों, क्या बात है? मकान तो बन गया ना? मकान तो आपकी दया से बन गया, मगर आज जब मैं अपने खेत पर गया तो आपके आदमी ने मुझे क्यों मार भगाया? जानता नहीं, जमीन पर दखल कब्जा करने वाले लाठी से भी मजबूत होते हैं। तो आपकी मजबूत लाठी मेरे सर पर क्यों माई बाप? उन्हें मुझसे मकान बनवाने के लिए रुपये नहीं लिए थे? वो तो आपने मंगलू से वसूलने को कहा था। अरे मूर्ख, मंगलू के पास क्या धरा है जो उससे वसूलूंगा? लाला जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी जमीन पर नजर ना डालिए। मैं आपके 300 रुपए किसी तरह भी वापस कर दूंगा। क्या कहा? 500 रुपए लेकर 300 रुपए कहता है? लाला जी, लाला जी, जाए लाला जी। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जा, जा। राजा बाबू, राजा बाबू से रुपए मंगवा कर दिए थे आपने? बोलो राजा बाबू, उस दिन लाला जी ने कितने रुपए दिए थे मुझे? जाओ बेटा जाओ, बच्चे बड़ों के बात में नहीं पड़ते, तुम स्कूल जाओ, जाओ जाओ। है, बताता हूँ तुझे। देख देख, इस कागज में साफ लिखा है, तूने मकान बनवाने के लिए 500 रुपए मुझसे लिए और अपनी जमीन मेरे नाम पर लिख दी। इसमें अंगलो मंगलो का कोई नाम निशान नहीं। हाँ, अगर मैं मुफ्त में तेरी जमीन पर कदम रखता तो तेरी लाठी मेरे सर पर होती, समझा? मुझे क्या मालूम इस कागज में क्या लिखा है आपने। मुझ पर तरस खाइए मालिक, बस यही जमीन जीने का एक सहारा है। मकान जलने के बाद कितने दिन आसमान के नीचे बाल बच्चों के साथ मुसीबत में काटे हैं, मगर इस जमीन को बचाए रखा। जा, मुझे काम करने दे, तूने अपनी जमीन मुझे बेच दी। ये क्या कह रहे हैं लाला जी, जमीन तो मेरी माँ है, भला माँ को कोई बेचता है? मैं अभी पटवारी जी के पास जाता हूँ, गांव के खतियान में इस जमीन पर मेरा नाम लिखा है। पटवारी जी ईमानदार आदमी। हाँ हाँ, पटवारी के पास भी जाकर देख, तेरा शुभा मिट जाएगा। प्रभु दयाल जी ने ठीक कहा, काशीनाथ जी ने जो मुफ्त रुपए दिए तो ये सोचने की बात है। पटवारी जी, अगर धनिया के साथ इंसाफ ना किया गया तो वो बेचारा बिल्कुल साफ हो जाएगा। भाई मैं तो कागज का गुलाम हूँ, कागज जिधर बोलेगा उधर मैं बोलूंगा। अगर धनिया ने काशीनाथ जी को अपनी जमीन लिख दी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु दयाल जी, काशीनाथ जी से टकराना कोई आसान बात नहीं है। मुखिया जी, आप तो धनिया के लिए कुछ कीजिए। धनिया पंचायत बुलाए तब तो मैं कुछ कर सकता हूँ। कल सुबह काशीनाथ उसकी जमीन पर दखल कब्जा करना चाहते हैं, बस कल वही उसी वक्त पंचायत होगी। मैं धनिया बजाता हूँ। तो हम खेल कूद तो करें, मगर खेल कूद ऐसा नहीं करें कि किसी को हम नुकसान पहुंचा दें। किसी को खिलाना चाहिए मगर किसी का खा नहीं जाना चाहिए, किसी को कुछ देना चाहिए मगर किसी के पास ले नहीं जाना चाहिए। मुझे क्या मालूम इस कागज में क्या लिखा है आपने। मुझ पर तरस खाइए मालिक, बस यही जमीन जीने का एक सहारा है। मकान जलने के बाद कितने दिन आसमान के नीचे बाल बच्चों के साथ मुसीबत में काटे हैं, मगर इस जमीन को बचाए रखा। जा, मुझे काम करने दे, तूने अपनी जमीन मुझे बेच दी। मुझे धनिया के लिए कुछ करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मेरी वजह से बर्बाद हुआ, कसूर मेरा है। मैं उसकी जमीन जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। लेकिन कैसे, इतने रुपए कहां से लाऊं, कहां से लाऊं?
घर में एक कड़ा था सोने का, तो गांधी जी ने समझा कि मेरे भाई का कर्जा मैं चुका दूं। वो कड़ा ले गए, उसमें से एक टुकड़ा काट के बेच दिया। माँ बाप को कहा नहीं, चोरी हुई। काम तो था अपने भाई का कर्जा चुकाने का, अपने लिए तो नहीं था, मगर अपने भाई के लिए भी वो चोरी की। और दूसरे दिन उनको महसूस हुआ कि तो बड़ा गलत काम हुआ, मैंने चोरी कर दी। और बाप को कहना चाहिए, फिर बाप को चिट्ठी लिखा कि मुझसे ये गलती हो गई। दीदी, दीदी, राजा, मैंने तुम्हारा कंगन चुराया दीदी। क्यों, किस लिए? मैंने चोरी किया दीदी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया दीदी, मैंने चोरी किया दीदी। किसने की राजे, बता तो सही, बात क्या है? तूने चोरी कर ली, मैंने तुझे माफ किया। हाँ मास्टर, आगे बढ़िए। आज से मेरी जमीन के मालिक लाला काशीनाथ जी हैं, और इस कागज के हिसाब से वो बैनामा अपने नाम से लिखवा सकते हैं। इस कागज के बनवाने में मुझ पर किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं। निशान अंगूठा धनी राम, वल्द मंगली राम। भाइयो, आपने सब कुछ सुन लिया? सुन लिया लाला जी, और कुछ सुनना चाहते हो बोलिए। अब बोलना क्या बाकी है, आपने कागज से सब कुछ बुलवा लिया? हाँ, सब कुछ बुलवा लिया। क्यों मास्टर साहब, कागज की कीमत आपसे बढ़कर तो और कोई नहीं बता सकता। मुझसे कुछ मत पूछिए पटवारी जी, गांव के मामले में मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। क्यों धनिया, तू क्या कहता है? मुखिया जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि ये जमीन मैंने नहीं बेची। लाला जी से मकान बनवाने के लिए 300 रुपए इस बात पर लिए थे कि वो रुपए लाला जी मंगलू से वसूलें। बेचारा मंगलू, अरे रुपया लेगा तू और वसूलूंगा मंगलू से। मुझे भी तो भगवान को जवाब देना है, तेरी तरह 500 को 300 नहीं करना है, जूता कहीं का। भगवान आपका भला करे लाला जी, इस गांव में आपके सिवाय मुझे कोई प्यार नहीं करता। उस दिन का प्यार भूल गया है मंगलू? कुछ तो भगवान का डर रखिए लाला जी। एक तो फसल काट के खा गया और कहता है भगवान का डर। अरे ये तो मेरी शराफत है कि फसल कटने के बाद जमीन पर कब्जा कर रहा हूँ। शराफत तो तब होती लाला जी कि जमीन के साथ साथ आप इसका मकान भी लिख लेते। चुप रहो जी। क्यों चुप रहो जी, मुझे अब स्कूल का सेक्रेटरी नहीं बनना। अच्छा, अरे प्रभु दयाल जी, अब इस बात में रखा भी क्या है, जमीन तो लाला जी की हो ही गई। क्यों मुखिया जी? ठीक है, कागज के मुताबिक तो जमीन लाला जी की ही है। मुखिया जी। क्यों भाइयों, आप सब लोगों की क्या राय है? बेशक जमीन मेरी है। अरे देखते क्या हो, चलाओ चलाओ। नहीं लाला जी नहीं, ये हल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हल जाए सामने। नहीं हटूंगा, ये हल चलेगा तो मेरी लाश भी चलेगा। ये बात है? हाँ। अरे देखते क्या हो, उठा के फेंक दो, फेंक दो। चला भाई, चला 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 पंचायत का फैसला गलत है। राजा, पिताजी, ये हल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने जमीन के रुपये दिए हैं बेटा। वो आप मुझसे वसूलिए। धनिया के घर में आग हमारी आतिशबाजी से लगी थी, उसमें मंगलू धनिया का कोई दोष नहीं। आपने जो रुपए दिए थे वो मुझसे मंगवा कर 300 दिए थे, 500 नहीं। और जमीन बेचने की तो कोई बात ही नहीं थी। चुप रहे शैतान, क्यों चुप रहे? सच बात बोलने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। शाबाश राजू, बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ। चुप रहो प्रभु दयाल, ये हमारे घर का मामला है, बोल देता हूँ। सुन लिया भाइयों, असल बात क्या है? बेटा नहीं दुश्मन है, झूठा नहीं का। आप बोल रहे हो, धनिया से बेईमानी आप कर रहे हो। मैं झूठा हूँ? मैं बेईमान हूँ लाला जी? अभी लाला जी, लाला जी, बेईमान बेईमान, तुझे झूठा बोलता है? लाला जी, क्या कर रहे हैं? लाला जी, छोड़ दीजिए।
छोड़ दो भ्रमण। पिताजी ये क्या कर रहे हैं? खुश में आइए। इसे सबके सामने मेरी बेइज्जती दिखी है। कहता है धनिया सच्चा है और मैं झूठा हूँ। हाँ राजा ने ठीक ही कहा। ठीक ही कहा। राजा राजा भैया राजा भैया, मुझे यकीन नहीं था कि तू इतनी दिलेरी से झूठ का मुकाबला करेगा। तूने सच की शान बढ़ा दी। हाँ, अब मेरी नाक कटवा दी। कान खोल कर सुन लो, मैं किसी भी हालत में यह जमीन वापस नहीं करूँ। और आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर धनिया की जमीन वापस नहीं की मैं यही मर जाऊंगा, लेकिन घर में कदम नहीं रखूंगा। है मर जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं आता। राजा बाबू, मेरे लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? जाओ घर जाओ। नहीं, जब तक पिताजी तुम्हारी जमीन वापस नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसे समझाओ बेटी, मेरी वजह से बाप बेटे में लड़ाई क्यों? धनिया काका, ये बाप और बेटे की लड़ाई नहीं, अब तो ये सच और झूठ की लड़ाई है। अरे धनिया चाचा के जमीन के लिए तू क्यों जान दे रहा है? चल खेलने चल। मैं नहीं चलूंगी। तो फिर हम भी तेरे साथ यहीं बैठेंगे। और नहीं तो क्या? बैठो। क्यों बच्चों, घर चलोगे या नहीं? नहीं जाएंगे। अब इन बच्चों को कैसे समझाएं? और उधर काशीनाथ भी तो समझने वालों में से नहीं। अब बताइए अब क्या किया जाए? कुछ सोचिए। भाई मामला तो बाप बेटे का है। हाँ। लेकिन काशीनाथ जी को कौन समझाए? रावण के लिए पैदा हुए भगवान रामचंद्र, कंस के लिए पैदा हुए भगवान कृष्ण, और इस हिरण केशव काशीनाथ के घर में राजा प्रह्लाद बनकर आया है। जय बाबा काशी विश्वनाथ। धनतेरस की मिठाई लेकर जा रहे हैं। परसों आपके घर में खूब धूमधाम से दिवाली के दीप जलेंगे। हैं? जलेंगे, जरूर जलेंगे, और साथ साथ जलने वालों को भी जला कर रहूंगा। आज धनतेरस है ना, फिर दिए क्यों नहीं जले? रामकली, अरे सब रामकली। जी बाबूजी। राजा नहीं है? जी नहीं, और कमला बिटिया भी नहीं आई। वो भी नहीं? अच्छा तुम जाओ। Thank you.
अंधेरा छाए प्राण घबराए नहीं मत तोड़ना चाहे लाख मुसीबत आए अंधेरा छाए प्राण घबराए नहीं मत तोड़ना चाहे काल भी सन्मुख आए मृत्यु दहलाए लोभ बहलाए तू सच को न छोड़ना चाहे काल भी सन्मुख आए मृत्यु दहलाए लोभ बहलाए तू सच को न छोड़ना सच की ताकत थी जिससे बोल गए सिंहासन कोटि कोटि जन मुक्त हुए मिट गया अनीति का शासन सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते आपने कहा था सच बोलो आपने कहा था सच बोलो सच बोलो बेटा अपराधी मैं हूँ सजा मुझे मिलनी चाहिए धनिया धनिया ये ले अपना कागज फाड़ दे अपने हाथ से तेरी जमीन मैंने तुझे वापस कर दी मुझे माफ कर दे हाँ बेटा ये सब राजा बाबू की दया भगवान सबको ऐसा बेटा जी सच की हाँ बेटा अब ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी मेरे लाल तूने मेरी आंखें खोल दी मेरे मन का अंधेरा मिटा दिया चलो चलो मिटा झूठ का अंधियारा लो सच के दीप जले सच के इस पावन प्रकाश में सारा विश्व पले सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते केवल दो अक्षर पर इसकी शक्ति महान सच में केवल दो अक्षर पर इसकी शक्ति महान सच के आगे डर कर भागे बड़े बड़े तूफान